साथियों, इस वक्त हम लोग जो है तैयार हो चुके हैं शूटिंग के लिए। मैं जो एक ब्राह्मण का किरदार निभा रहा हूँ, साथ में अवधेश भैया जो भी एक ब्राह्मण का किरदार निभा रहे हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं मंच पे। जानवर के जैसी जिंदगी हमारे कमरे में है पूरे कमर पधारू। जानवर के जैसी जिंदगी हमारी ऐसे समय पर उनके मसीहा ऐसे समय इसको गंदा संदा उधर भागता बेचारा है। लेकिन जैसे इन ब्राह्मणों की इन सामंतियों की नजर पड़ती ये नहीं खाने देते। कहीं भी कोई बिस्कुट का टुकड़ा कुछ भी मिल जाए और ये शूद्र खाने की कोशिश करता तो ये ब्राह्मण की नजर में आ जाता कि इसको खाने नहीं देंगे। देखना दशा क्या थी। खाने का हंसने की नहीं है, इसको अनुभव करिए। क्या हमारे पिताजियों के साथ, क्या हमारे बुजुर्गों के साथ ये हालत हुई थी? बस यही थी। अरे जानवर अच्छे थे लेकिन हमारे भाइयों के लिए ये यातनाएं थी। हमारे बुजुर्गों के लिए बैठ जाइए, ऊपर स्टेज पर दो, स्टेज पर दो। ये बेचारा शूद्र एक एक बूंद पानी के लिए तरसता, लेकिन ये हरामी ऐसे बदमाश थे कि जैसे पीने की कोशिश करता उसमें नाक आते थे, वो पानी के लिए भटकता रहता। खाने का नहीं बन सकता, इतनी मजा सुंदर होना पड़ेगा। चल चल।
हमारे वेदों में लिखा है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और तू हमारे वेदों का अपमान कर रहा है। वेद में लिखा है शूद्र स्त्री नथी, तो शूद्र और स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। हमारे पढ़ने का अधिकार नहीं था, लड़ने का अधिकार नहीं। संविधान बना दिया, फिर वही संविधान इस सूत्र के हाथ में जब आ जाता है तो फिर देखना संविधान की ताकत, फिर इनका खेल देखना कि इनका हिसाब कैसे बिगड़ता है। संविधान के सामने ये ब्राह्मण, ये सामंती, ये दुश्मन कैसे कांपते हैं। ये बाबा साहब की ताकत और बाबा साहब की कलम की ताकत, वो अब इस झांकी में देखने। बाबा ने मनु का संविधान जलाया, बाबा ने मनु का विधान जलाया, फिर अपना संविधान बनाया। अब शूद्र के हाथ में संविधान आ गया, अब इसकी मटकी तोड़ दी बाबा साहब ने और झाड़ी भी छुड़वा दिया। ये सूत्रों से गले की मटकी हटा दी और पीछे से झाड़ू हटा दिया। अब इसके हाथ में संविधान है, अब देखो इनको, अब इन दरिंदों को देखो, इनकी हालत पतली हो रही है। संविधान की ये ताकत है, और इस संविधान की ताकत तुम्हें अच्छी लगी हो तो तालियां अब बजना चाहिए। ये बाबा साहब की दी हुई ताकत है। आप लोग ख्याल करो, संविधान की पूजा करो। अगर संविधान नहीं होता तो ये दरिंदे आज भी हमारे गले में मटकी लटका होते और आज भी झाड़ू लटका होते। ये ताकत, ये जो कांप रहे हैं, इनकी जो पतली हालत है, ये बाबा के संविधान के अनुसार है, 33 करोड़ देवी देवताओं के अनुसार नहीं है। इसलिए आपको पूजा पाठ नहीं करना है, बाबा साहब के संविधान की पूजा करना है और बाबा साहब की पूजा करना है। तब ने कहा, बाबा ने मनु का विधान चला, फिर अपना संविधान बनाया। आओ आओ अरे ब्राह्मणों, आओ अरे ब्राह्मणों, अब मानो मुझे, ये मेरे बाप का संविधान, अब मान के दिखाओ मुझे, आप कैसे मारोगे तुम, मार के दिखाओ आप कैसे मारोगे। मारो, अरे मारो मारो। क्या हुआ, मारो मारो। ये है बाबा साहब के कानून की ताकत, फिर भी तो बाबा साहब को होता है। बाबा ने मनु का विधान चलाया, फिर अपना संविधान बनाया।
और अब पूज्य भिक्षु संघ को मैं आमंत्रित करता हूँ कि कुर्सियों पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। पहले हम राजा थे, हम कौन बन गए? आज कोट और कोटी मिल गई इसको, क्योंकि अब ये हड्डी हट गई। और बात अच्छी लगे तो समर्थन तालियों से देना। राजा बने हैं अब हम, राजा बने हैं अब हम। पहले इसके हाथ में डंडा था, इसके हाथ में हंडी झाड़ू थी, अब इसके हाथ में क्या है जरा उठा के बताओ? ये क्या है? कलम है। ये किसकी देन है? ये राम कृष्ण अल्लाह भोले विष्णु ब्रह्मा इनकी देन नहीं है, गौरी गरुड़ की देन नहीं है, ये मेरे बाप के बाप परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसलिए हमें नायक बच्चे बनना है, नालायक बच्चे नहीं बनना है। अरे हमने, अरे बाप ने हमें जानवर माता बहना ध्यान रखो। राजा बने हैं अब, और पीछे की लाइन अच्छी लगे तो ताली बजाना। राजा बने हैं हम, पहले थे भिखारी, बाबा ने आज के हाल सुधारे, बाबा ने आज हाल सुधारे। और गले में हंडी अभी ना, कमर पे झाड़ू अब सूत्र बने हैं सब अधिकार। बहुत बहुत धन्यवाद।